आसाम सरकार से उनको विनम्रता से आग्रह किया गया कि आप 3 बजे तक मत जाइए। हमने मना नहीं किया था, हमने यही बताया था कि आपने 3 बजे तक मत जाइए। क्या महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्मभूमि में आप जाना है, क्या आप 2 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकता है? आप इतना बड़ा VVIP है, नहीं जाके वो वहां में तमाशा किया और पूरा देश भर में ऐसा एक संदेश भेजने का कोशिश किया कि हमने उनको मंदिर सत्र में जाने से मना किया। आपको किसी ने मना नहीं किया था, खाली आपको यह बोला गया था कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय वहां मत जाइए, हजारों लोग प्राण प्रतिष्ठा उत्सव देख रहा है, उसी समय अगर आप भी वहां जाते हैं तो हमारे लिए ही ये एक कैसा परिवेश हो जाता था। वो दिन हम नहीं चाहते थे कि अयोध्या में जो महोत्सव हो रहा है उनको कोई डाइवर्शन मिले। राहुल जी का उद्देश्य था कि वहां जाके ड्रामा करके अयोध्या से लोगों का मन हटाना, हमने वो होने नहीं दिया। अभी मेरा 2 प्रश्न है, आपने आमगुरी से आया, अब होलोंगा पार होके आया, आपने क्यों लसित बरफुकन का मैदान में नहीं किया? 400 साल का जयंती उत्सव ने आपने ट्वीट भी नहीं किया, फिर आपका हाथ में मौका था, हमने उसमें तो आपको जाने के लिए मना नहीं किया था। आपने लसित बरफुकन का समाधि में मैदान में क्यों नहीं किया? आप जो रास्ता से गुजरे थे उसी रास्ता का 200 मीटर दूर लसित बरफुकन का मैदान था, समाधि था। आसाम में कोई आए और लसित बरफुकन का समाधि से गुजरे और फिर समाधि तक ना जाए, उसका मैं क्या अर्थ निकालूंगा? फिर आप देखिए, वो बटद्रवा पार हुआ, गुवाहाटी में आया, लेकिन मां कामाख्या का मंदिर दर्शन नहीं किया। क्या हमने वो भी मना किया था आपको? आपने लसित बरफुकन का समाधि में नहीं गया, आपने मां कामाख्या का भी मंदिर दर्शन नहीं किया। फिर आपने आगे बढ़ा, डॉक्टर भूपेन हजारिका का समाधि से आप गुजरे, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में भी 2 मिनट नहीं रुके। फिर आगे जाके आपने जो असम का कम्युनियल हार्मोनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, हयग्रीव माधव एंड कुआमक्का टेम्पल, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय का लोग जिसको बहुत मानते हैं, वो टेम्पल का सामने आप गुजरे, लोग वहां में खड़े थे आपको वेलकम करने के लिए, आपने वहां में भी नहीं गया। फिर आपने बड़पेटा से गुजरे, पाठ बाउखी सत्र में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव में जीवन का सबसे अमूल्य समय वही था। अगर बटद्रवा में आपका दर्शन नहीं मिला, आप पाठ बाउसी सत्र में क्यों नहीं गया? फिर बड़पेटा सत्र जो असम का सबसे बड़ा सत्र है, बरडुआ बटद्रवा बड़पेटा, आपने बड़पेटा में भी नहीं गया। फिर आज सुबह आप धुबरी होके गुजरा, लेकिन आप धुबरी गुरुद्वारा में भी नहीं गया जहां में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो आपका मतलब क्या था? आप असम आया, लसित बरफुकन का समाधि में नहीं गया, आपने असम आया, भूपेन हजारिका का समाधि से गुजरा, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में 2 मिनट नहीं रुका, आपने बरपेटा पाटबाउसी सत्र में नहीं गया, आपने धुबरी में इतना बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, आप वहां क्यों नहीं गया? कि वहां जाने के लिए मैं मना किया था? मैं तो उल्टा कांग्रेसी लोगों को बताया कि भाई बटद्रवा कोई कारण में अगर नहीं भी गया, कम से कम पाद बाउखी तक उनको लेके जाओ, अच्छा लगेगा। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।